सो हम एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं जिसमें हमारे पास 3 इनपुट नैंड गेट है और हमने इसका वर्स्ट केस राइजिंग और फॉलिंग डिले देखा है। ये नैंड गेट जो है यानी ये नैंड गेट जो है ये बेसिकली ड्राइव कर रहा है एच कॉपीज ऑफ आइडेंटिकल नैंड गेट्स को। तो इस आइडेंटिकल नैंड गेट्स पर इसकी ड्राइविंग पे मैं बाद में आता हूँ, पहले जरा एक नैंड गेट सर्किट को डिस्कस कर लेते हैं। तो नैंड गेट का जो सीमॉस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास जो पुल अप नेटवर्क है वो 3 पैरेलल पीमॉस ट्रांजिस्टर से बना है और हमारे पास जो पुल डाउन नेटवर्क है ये जो है ये हमारे पास 3 एनमॉस ट्रांजिस्टर से बना है। अच्छा, इसके साइजिंग को इन नैंड गेट के साइजिंग को मैं इन्वर्टर यूनिट इन्वर्टर के साइज से कंपेयर करूंगा। ठीक है, सो यूनिट इन्वर्टर से मुराद मेरी ये है कि हमारे पास जो एनमॉस ट्रांजिस्टर है इसकी विड्थ 1 है। तो अगर इसकी विड्थ 1 है और तो PMOS ट्रांजिस्टर की विड्थ यहाँ पर 2। ठीक, सो लेट सपोज फॉर फॉलिंग ये सी आउट है हमारे पास, सो फॉर फॉलिंग फॉर फॉलिंग डिले हमारे पास जो पाथ होगा वो थ्रू NMOS होगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस R इसको मिलेगा। दिस इज फॉर रेफरेंस इन्वर्टर। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हमारे पास सी आउट है, ठीक है, सो फॉर फॉलोइंग जो है इसको एक के बजाय 3 ट्रांजिस्टर से एनमॉस ट्रांजिस्टर से गुजरना होगा। ठीक है, सो टू मेक दिस पाथ यानी यहाँ पर देखें हमारे पास 3 ट्रांजिस्टर्स हैं ऑन होने चाहिए ये तीनों ट्रांजिस्टर, तब जाकर ये जो सी आउट कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज हो। ठीक है, सो टू मेक दिस 3 रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस 1 रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इन दोनों के बराबर अगर मुझे लाना है, सो मुझे क्या करना होगा, इस रेजिस्टेंस को इसके मुकाबले में R by 3 रखना होगा। इन अदर वर्ड्स मुझे इस NMOS की विड्थ जो है वो 3 टाइम्स रखनी होगी। ठीक है ना, अगर मुझे रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है 3 टाइम्स तो मुझे उसकी विड्थ जो है वो 3 टाइम्स डिक्रीज होगी। सो यहाँ पर इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस 3 रेजिस्टेंसेस का वो बराबर होगा इस रेफरेंस इन्वर्टर के रेजिस्टेंस के। तो मुझे एक बात तो ये है इन 3 इनपुट नैंड गेट अगर हम इसको रेफरेंस इन्वर्टर के रेजिस्टेंस के बराबर रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमें 3 इसकी विड्थ जो है वो 3 टाइम्स रखनी होगी ऑफ रेफरेंस इन्वर्टर NMOS ऑफ रेफरेंस इन्वर्टर। ठीक है, अच्छा, सो अच्छा अब आते हैं चार्जिंग पाथ को। चार्जिंग पाथ फॉर रेफरेंस इन्वर्टर हमारे पास एक PMOS है और उसके थ्रू ही कैपेसिटर चार्ज होगा। सो फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे पास इन तीनों पैरेलल ट्रांजिस्टर्स में से कोई एक ट्रांजिस्टर ऑन होना चाहिए बाकी को ऑफ होने चाहिए। सो लेट सपोज ये दोनों ऑफ हैं और ये एक ऑन है। सो अब रेजिस्टिव पाथ जो मिल रहा है टू चार्ज दिस कैपेसिटर वो सिर्फ इस एक इन्वर्टर से सॉरी एक ट्रांजिस्टर से होकर मिल रहा है। तो इट मींस कि हमें इसका रेफरेंस और इसका रेफरेंस साइज सॉरी इसका साइज और वो बराबर होना चाहिए, एक ट्रांजिस्टर है तो वो बराबर होना चाहिए इसके इस रेफरेंस इन्वर्टर के साइज के बराबर जो कि 2 है। सो इसलिए यहाँ पर 2 यूनिट साइज रखा हुआ है फॉर PMOS और 3 यूनिट साइज रखा हुआ है फॉर NMOS। दिस इज बिकॉज के हमने जो रेजिस्टेंस है वर्स्ट केस के लिए जो रेजिस्टेंस है चार्ज दिस कैपेसिटर वो इस PMOS या पुल अप नेटवर्क ऑफ रेफरेंस इन्वर्टर के बराबर होना चाहिए
और इसी तरह जो डिस्चार्ज पाथ है वो भी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इस रेफरेंस इन्वर्टर के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तीन इन्वर्टर थ्री थ्री ट्रांजिस्टर्स हैं, सो इसलिए हमें इसके यूनिट साइज जो है वो 3 रखना पड़ रहा है, सॉरी इसके यूनिट साइज कह रहा हूँ, इसका साइज जो है वो 3 यूनिट्स रखना पड़ रहा है, ताकि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 3 टाइम्स डिक्रीज हो और इन तीनों का सम जो है वो इस रेजिस्टेंस के बराबर हो। ठीक है, सो अगर हम इसके साइजेस को ऐसे रख रहे हैं जैसे हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, इसके यूनिट जो है वो 3 यूनिट्स हैं एंड 2 यूनिट्स, सो हमारे पास आउटपुट नोड पर कैपेसिटेंस कितनी आएगी, ये हमारे लिए जानना जरा जरूरी है। ठीक है, सो यहाँ पर देखें इसका साइज, इस नोड पर देखें कौन कौन से टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, एक इस ट्रांजिस्टर का टर्मिनल कनेक्टेड है, इस ट्रांजिस्टर का टर्मिनल कनेक्टेड है, इसका ये टर्मिनल कनेक्टेड है, और इस ट्रांजिस्टर का एंड मोस ट्रांजिस्टर का ये टर्मिनल कनेक्टेड है। सो यहाँ पर देखें इसका साइज जो है वो 2 यूनिट्स हैं, सो यहाँ पर 2C कैपेसिटर होगा, यहाँ पर भी इसका साइज 2 है, सो यहाँ पर 2C कैपेसिटर होगा, और इसी तरह यहाँ पर भी 2C कैपेसिटर होगा। सिमिलरली हमारे पास इस ट्रांजिस्टर का साइज जो है वो 3 है, तो यहाँ पर 3C कैपेसिटर होगा, तो टोटल कैपेसिटर ऑन दिस नोड, यहाँ पर देखें ये तमाम के तमाम कैपेसिटर जो है वो पैरेलल कनेक्टेड है, सो इस नोड पर हमारे पास जो कैपेसिटर आएगी, ये जो कैपेसिटर होगी दैट इज मैं इसको सी आउट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो सी आउट विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज कैपेसिटर्स जो कि 3C प्लस 2C 5C प्लस 2C 7C प्लस 2C 9C, तो हमारे पास 9C कैपेसिटर यहाँ पर होगा। अच्छा, अब इन नोड्स पे बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास नोड लेट सपोज N1 है और N2 है, सो N1 पर हमारे पास ये देखें दो ट्रांजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं और दोनों ट्रांजिस्टर की यूनिट जो साइज है वो 3 यूनिट्स हैं, तो ये कैपेसिटर भी 3 यूनिट होगा, 3C होगा, और इसी तरह N2 भी यहाँ पर जो कैपेसिटर है कैपेसिटेंस है वो भी 3C होगा। अच्छा, इनपुट पे देखें, इनपुट पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सो इनपुट पे लेट्स सपोज मैं ग्रीन कलर रख लेता हूँ, सो टू यहाँ पर देखें इस ट्रांजिस्टर का साइज 2C है और इस ट्रांजिस्टर का साइज 3C है, सो इस इनपुट के लिए ये जो इनपुट है यहाँ पर देखें इस नोड पर ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं ये पैरेलल में हैं, सो हमारे पास सी एन जो होगा इनपुट कैपेसिटर वो 2C प्लस 3C, सो हमारे पास 5C होगा। सो दूसरे लब्जों में मैं इस नैंड गेट को इस तरह बनाता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, दैट इज 5C, और जो आउटपुट कैपेसिटेंस है दैट इज 9C, ये हमारे पास एक नैंड गेट का की कैपेसिटेंस आ गई फ्रॉम इनपुट साइड एंड फ्रॉम आउटपुट साइड। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर देखें फॉर दीज टू इनपुट्स हमारे पास इसके लिए भी 5C होगा और दूसरे के लिए भी 5C होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोनों के साइजेस सेम है। ठीक, सो अगर हमने यहाँ पर देखें हमारे पास ये 9C है, तो अब हम जरा एच कॉपीज की तरफ आते हैं, ठीक है ना, ये तो हमने फाइंड कर लिए, अब हम 9C की ये सॉरी एच कॉपीज की तरफ आते हैं, सो ये एग्जैक्टली उसी तरह जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि अगर हमारे पास ये इन्वर्टर जो है वो n नंबर्स ऑफ इन्वर्टर आइडेंटिकल इन्वर्टर्स को ड्राइव कर रहा है, तो हमारे पास जो फैक्टर है यहाँ पर वो N3C R होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर N होना चाहिए, सो अगेन हमने यहाँ पर देखा पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि हमारे पास आउटपुट कैपेसिटर जो है दैट इज 9C, ठीक है, और किसी भी एक नैंड गेट का, ठीक है ना,
लेट सपोज ये इनपुट है, इनपुट कैपेसिटेंस जो है दैट इज 5C, किसी भी एक नेट का इनपुट कैपेसिटेंस हो 5C, ठीक, ये भी हमने देखा। सो अगर हमारे पास h नंबर ऑफ कॉपीज होंगी ऑफ दिस नेट गेट्स, तो इसका मतलब ये है कि इसका लेट सपोज ये चार कॉपीज हैं, तो इसका 5C, इसका 5C, इसका 5C और इसका 5C, ये तमाम के तमाम यहाँ पर कनेक्टेड है। तो अगर 4 है तो यहाँ पर 5C इंटू 4 आएगा, अगर h नंबर ऑफ कॉपीज हैं तो ये जो कैपेसिटर होगी दैट वुड बी H5C या 5HC, H कॉपीज हैं तो H हमारे पास आएगा, ठीक है। सो अब टोटल कैपेसिटेंस यानी सी आउट जो है, ये जो ड्राइवर ड्राइविंग कैपेसिटी, ये जो नैंड गेट है ये देख रहे हैं फ्रॉम दिस साइड, वो है 9C प्लस 5HC, 5HC, ठीक है, दूसरे लफ्जों में 9 प्लस 5H इंटू 6, ठीक है, ये हमारे पास। अच्छा, अब आते हैं राइजिंग, ये तो कैपेसिटर की डिस्कशन होगी, अब आते हैं राइजिंग टाइम पर। फॉर राइजिंग टाइम, फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो, हमारे पास कोई एक ट्रांजिस्टर ऑन होना चाहिए और दूसरे ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ होने चाहिए। सो मैं केस लेता हूँ जिसमें हमारे पास ये ट्रांजिस्टर ऑन है, सो टू मेक दिस ट्रांजिस्टर ऑन हमें यहाँ पर इनपुट पे 0 देना होगा, और टू मेक दिस टू ट्रांजिस्टर ऑफ हमें यहाँ इनपुट पे 1 देना होगा PMOS। अच्छा, अगर यहाँ पर 0 है तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा और ये दो ट्रांजिस्टर जो है ये ऑन होगा, ठीक है। सो चार्जिंग पाथ ऑफ दिस इन्वर्टर जो है, ठीक है, सॉरी चार्जिंग पाथ ऑफ दिस नैंड गेट जो है वो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये VCC है, देन वी हैव दिस रेजिस्टेंस R, ठीक है, और देन वी हैव दिस आउटपुट कैपेसिटर विच इज 9C प्लस 5HC, सो 9 प्लस 5H इनटू 6, ठीक। अच्छा, अब टाइम जो है, राइज टाइम जो है, राइज डिले जो है, ठीक है ना, प्रोपेगेशन डिले या राइज डिले जो है, ठीक है ना, वर्स्ट केस राइजिंग डिले जो है दैट वुड बी इक्वल टू आर इनटू सी, ठीक है, सी आउट, सो दिस इज आर इनटू सी आउट व्हिच इज इक्वल टू आर इनटू 9 प्लस 5 HC, ठीक है, ये हमारे पास राइजिंग टाइम, ठीक है। ये वो एग्जांपल थी जहां पर हमारे पास ये जो ये इन्वर्टर ट्रांजिस्टर ऑन था, बाकी दो ट्रांजिस्टर्स ऑफ, ठीक। मैं इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा चेंज करता हूँ, यानी यहाँ पर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि नहीं जी, हमारे पास बजाय ये, मैं स्लाइड एक मिनट में दूसरे स्लाइड पे चला जाता हूँ। सो बजाय ये कि हमारे पास ये ट्रांजिस्टर ऑन है, ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, तो यहाँ पर मुझे अगर इस PMOS को ऑफ रखना है तो आई हैव टू गिव इट 1 ऑन गेट, यहाँ पर भी मुझे गेट पर 1 देना होगा और यहाँ पर मुझे 0 देना होगा, ठीक है। अगेन उसी तरह कॉम्बिनेशंस हैं, 1 1 0, सिर्फ एक ट्रांजिस्टर ऑन है बाकी दो ट्रांजिस्टर ऑफ है, यहाँ पर भी हमारे पास वही कॉम्बिनेशन है, एक ट्रांजिस्टर ऑन है और दो ट्रांजिस्टर ऑफ है, लेकिन यहाँ पर पाथ कर देखें NMOS में क्या होगा। NMOS में अब हमारे पास ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ होगा। सो अब हमारे पास जो पाथ होगा, यहाँ पर देखें ये ट्रांजिस्टर ऑन है, सॉरी ये ऑफ है, सो इस ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस हमारे पास ये आ गई, ठीक है ना, ये हमारे पास आउटपुट नोड आ गया, V
where we have this 9+5HC capacitor. ठीक है, फिर ये ट्रांजिस्टर ऑन है, सो यहाँ पर एक ये ट्रांजिस्टर अब ऑन है, सो एक रेजिस्टेंस आ रही है जो कि नोड एंड टू से कनेक्टेड है, जहां पर 3C कनेक्शन है, और यहाँ पर भी फिर ये ट्रांजिस्टर भी ऑन है नोड वन के साथ, और यहाँ पर भी 3C कैपेसिटर है, और उसके बाद जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ है, इसलिए हमें यहाँ पर इस इधर पास नहीं है। ठीक है, सो अगेन अब यहाँ पर आपके ख्याल में हमारे पास अब आउटपुट यूजिंग आयलर्स मेथड, हमारे पास अब आउटपुट क्या होनी चाहिए। ठीक है, आयलर्स मेथड हमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो पाथ है, ठीक है ना, फ्रॉम दिस कैपेसिटर टू दिस सोर्स जो है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एक ख्याल तो ये अच्छा यहाँ पर फिर चूंकि अब हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास अब एक तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि एक तो ये कैपेसिटर है, ठीक है ना, जो इस कैपेसिटर से लेकर सोर्स तक है, दूसरा ये कैपेसिटर है, दूसरा ये कैपेसिटर, तीसरा ये कैपेसिटर, सो तीन कैपेसिटर्स बेसिकली यहाँ पर लगे। सो क्या हमारे पास जो डिले होगा उसमें इन कैपेसिटेंस का असर आएगा? सो इसका आंसर जो है वो शेयर्ड पाथ कॉन्सेप्ट पे आता है, शेयर्ड पाथ रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट पर आता है कि लेट सपोज अगर हमारे पास ये एक पाथ है, ठीक है ना, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पाथ है, सो यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, अगर हम देखें हर नोड पर हमारे पास कुछ ब्रांचिंग हो रही है, ये हमारा सोर्स नोड है और ये लेट सपोज डेस्टिनेशन नोड है, आई नोड है, सो इस कैपेसिटर को अगर लेट सपोज इसका जो है एलमोर्स डिले हमने अगर फाइंड करना है, ठीक है ना, अगर हमने इसको एलमोर्स डिले फाइंड करना है तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि इस नोड की कैपेसिटेंस प्लस शेयर्ड पाथ रेजिस्टेंस से मुराद हमारी ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें ब्रांचिंग रेजिस्टेंस को हम इंक्लूड नहीं करते, ये वाली रेजिस्टेंस इस राइजिंग जो है या जो फॉलिंग है इस एलमोर्स पाथ में, हमारे पास एलमोर्स डिले में ये वाली रेजिस्टेंस नहीं होगी। सो फॉर दिस हमारे पास लेट सपोज मैंने अगर आइथ नोड की जो है वो टाइम फाइंड करना है, ठीक है ना, तो वो होगा सी ऑफ आई यानी आइथ नोड की कैपेसिटेंस जो इधर कनेक्टेड है प्लस जो जो रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है ना, इस पाथ में आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नोड आई अप टू सोर्स नोड, ठीक है, सो ये होगा आर आई प्लस आर फोर नो आर थ्री है ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है ना, प्लस आर वन, ठीक, सो ये हमारे पास इस आईथ नोड का डिले आएगा टू चार्ज और डिस्चार्ज दिस कैपेसिटर, ठीक है, ये नोड जो है ये यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे, सो इसलिए ऑल्दो हमारे पास ये जो है ये ब्रांचिंग रेजिस्टेंसेस आ रही हैं, जो ब्रांचिंग रेजिस्टेंसेस हैं ये हमारी शेयर्ड पाथ रेजिस्टेंस में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमारे पास जो राइज टाइम डिले होगा दैट वुड बी सेम एज आर इनटू दिस आउटपुट कैपेसिटेंस व्हिच इज 9+5HC, ठीक है, ये सॉरी 5HC, सो ये हमारे पास हुआ किसी भी पाथ का जो है वो राइजिंग डिले फॉर थ्री इनपुट NAND गेट हैविंग H आइडेंटिटी कॉपीज ऑफ NAND गेट।
अच्छा, अब आते हैं फॉल टाइम की तरफ। सो फॉर फॉल टाइम अब हमारे पास जो पाथ बनेगा ये वाला पाथ बनेगा। फॉर फॉल टाइम हमारे पास एक ही पाथ बन रहा है और वो ये पाथ बन रहा है कि हमें इस ट्रांजिस्टर से जो है वो डिस्चार्ज करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें, अब हमारे पास सिर्फ एक कैपेसिटर इस पाथ से डिस्चार्ज नहीं होगा बल्कि ये दो कैपेसिटर भी इस पाथ से डिस्चार्ज होंगे। तो हमें यहाँ पर इन तीन कैपेसिटर्स को भी देखना होगा, ब्रांचिंग कोई नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास तीन रेजिस्टेंस लैडर की तरह एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि हमने एक मिनट यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है ना। एक लैडर स्ट्रक्चर बन रहा है, आरसी लैडर। यहाँ पर फिर मैं लिख सकता हूँ द फॉल टाइम ऑफ दिस, फॉल डिले जो है वो क्या होगा। एक तो ये है कि हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आउटपुट कैपेसिटेंस व्हिच इज 9 + 5H सी इनटू R1 R2 एंड R3। R1 which is R/3 plus R/3 plus R/3, एक ये हुआ प्लस, ठीक है। इस पाथ को देखें, दिस इज 3C इनटू रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, R/3 प्लस R/3 प्लस हमारे पास ये वाला पाथ भी आ रहा है। सो अगेन वी हैव दिस 3C कैपेसिटर और पाथ क्या आ रहा है, दिस इज 3R/3। सो टोटल कैपेसिटर जो है, सॉरी टोटल डिले जो है वो हमारे पास यहाँ पर देखें, सो हमारे पास 9 + 5H इनटू सी आर, ठीक है। दिस इज ये जो है ये हमारे पास आर के बराबर आ जाएगा प्लस 3C, सो दैट वुड बी 2/3R, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 2/3R प्लस RC। इसको आप ऐड कर लें, आर को कॉमन लें या जिस तरीके से भी। ये अगेन ये 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 9 + 5H इनटू सी, आर को कॉमन ले लेता हूँ, प्लस 2C प्लस सी इनटू आर एंड दैट इज नथिंग बट 9 + 2 11 + 1 12 + 5HC। तो फाइनली हमारे पास 12 + 5H सी एंड आर, ये हमारे पास फॉल टाइम होगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एल्मोर्स डिले फॉर 3-इनपुट नैंड गेट, ठीक है। याद रखें यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट को देखें कि जब भी हमारे पास ब्रांचिंग रेजिस्टेंस आएगी, जैसे यहाँ पर देखें ब्रांचिंग रेजिस्टेंस है, कॉमन रेजिस्टेंस नहीं है, लैडर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, ब्रांचिंग रेजिस्टेंस है। सो फॉर एल्मोस डिले में हम इन ब्रांचिंग रेजिस्टेंसेस को, इनके टाइम्स को, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम्स को कंसिडर नहीं करते बल्कि हम शेयर्ड पाथ रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। आप होमवर्क के पे आप 3-इनपुट
नॉर गेट का राइज टाइम और फॉल टाइम डिले देख सकते हैं, राइज एंड फॉल डिले जो है वो आप होमवर्क में कर सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपको कोई इशू हो तो आप उसको नेक्स्ट जो ऑनलाइन सेशन है उसमें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो दैट्स इट, ये हमारा एल्मोस डिले था, उस पर हमने कुछ एग्जांपल्स की। नेक्स्ट जो है वो हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम लॉजिक एफर्ट्स और उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात। अल्लाह।